नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे किया होगा और खरपतवार भी खत्म हो गया होगा। पर खरपतवार नाशक दवाई से सोयाबीन की चाल रुक जाती है, कुछ दवाइयों से नॉर्मल चाल रुकती है, तो कुछ से काफ़ी ज़्यादा झटका भी लगता है। और किसान साथियों का लगातार सवाल है कि उस झटके से फसल को कैसे उबारें। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि खरपतवार नाशक दवाई या किसी भी वजह से सोयाबीन की फसल या किसी भी फसल को झटका लगता है तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन में कौन सा खरपतवार नाशक डालना चाहिए वह भी हमने जानकारी डाल दी है, साथ ही साथ हमने कौन सा स्प्रे किया है, कितनी मात्रा में किया है, कैसा रिजल्ट आए हैं वह वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसके साथ ही सोयाबीन की जो पहली 35 दिन के आसपास कौन सा स्प्रे करना चाहिए, शुरुआती अवस्था में कौन सी दवाई या इल्ली की दवाई या कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए वह वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें सोयाबीन की फसल में झटका क्यों लगता है। तो अगर हम गलत दवाई ले लेते हैं, दवाई की मात्रा गलत ले लेते हैं या पानी खराब लेते हैं या कोई मौसम ऐसा होता है जिसमें गीला नहीं होता है, नमी नहीं होती है, अगर सूखे के मौसम में हम स्प्रे कर देते हैं तो दवाई रिएक्शन कर जाती है और सोयाबीन की जो पत्तियाँ होती है वह जलती हुई हमें देखने को मिलती हैं और उसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं। कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको कि नॉर्मल कंडीशन में स्प्रे करने पर भी वह झटका देते हैं, जैसे कि आयरिस, पटेला और ऐसी फ्यूजीप्लेक्स जैसी कई दवाइयाँ हैं जो कि झटका सोयाबीन को जरूर देती हैं, फिर वापस से नॉर्मल चाल वह पकड़ लेती हैं। तो इस प्रकार का हल्का अगर झटका है तो सोयाबीन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वह धीरे से वापस से रिकवर हो जाएगा। पर गलती से कोई ज़्यादा बड़ी गलती आपसे हो गई है और उसमें ज़्यादा ही झटका लग गया है तो आप सबसे पहले जो ग्लूकोज आता है उसका आपको स्प्रे करना है। तो उससे क्या है कि जो दवाई का असर आपकी सोयाबीन पर प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ा है वह खत्म हो जाएगा और सोयाबीन वापस से तनाव से बाहर आ जाएगी और नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगी। अगर आपके यहाँ पर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो आप गाय का कच्चा दूध भी आप लेकर स्प्रे कर सकते हो। कच्चा दूध की अगर बात करें तो 15 लीटर की टंकी में 500 ml कच्चा दूध आपको लेकर स्प्रे करना है जिससे भी सोयाबीन की ग्रोथ या किसी भी फसल की ग्रोथ जिसमें झटका लगा है वह नॉर्मल कंडीशन में वापस से आ जाएगी। यह उपाय आपको तभी करना है कि आपके सोयाबीन में बहुत ज़्यादा झटका लगा हो, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई हो तब करना है। अगर नॉर्मल झटका लगा है, हल्का सा पिलासपन है और उसकी चाल थोड़ी रुक गई है या धीरे धीरे चल रही है तो आप उसके लिए जो आप पहला इल्ली वाला स्प्रे करने वाले हो उसके अंदर NPK 19:19:19 जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होता है उसका मिश्रण भी आप स्प्रे कर सकते हो। उसमें आपको की मात्रा 300 ग्राम प्रति बीघा या 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आपको स्प्रे कर देना है जिससे कि आपकी फसल वापस से धुआंधार जो ग्रोथ है उसमें वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा ही झटका है, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा झटका अगर लग रहा है तो आप कोई अच्छा सा टॉनिक जो कि वापस से फूट पकड़ने में मदद करे ऐसा ले सकते हो जिसमें कि काफ़ी एंजाइम और पोषक तत्व शामिल हो, ऐसे बहुत सारे जो हैं पोषक सुपर के नाम से आता है, आप फेंटेक प्लस ले सकते हो या जो गोदरेज कंपनी का डबल आता है वह भी ले सकते हो और कई ह्यूमिक एसिड बेस्ड भी ऐसे टॉनिक आते हैं वह भी लेकर आप अपनी ग्रोथ होती है पौधे की उसे वापस से बढ़ा सकते हो जिससे कि फायदा यह होगा कि वह फ्लावरिंग स्टेज तक जाते जाते अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतने ही ज़्यादा उसमें फूल आएंगे। क्योंकि अगर एक पौधा चाल रुक कर यहीं पर रुक जाता है और उसमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, जैसे ही 30 से 35 दिन होंगे उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फूल उतनी ही जगह में आएंगे जितना पौधा बड़ा होगा।
तो अभी 35 दिन तक जितनी इसकी हाइट होनी है उतनी हाइट होगी, उसके बाद में फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी और फिर ऊपर से ही फुटान चालू होगी। आसपास में जो होगी वह दबाव के कारण सोयाबीन काफ़ी हल्की रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, इसलिए जो वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक अवस्था होती है इसमें सोयाबीन की जो फूट है या चाल है वह काफ़ी अच्छी होना आवश्यक है। तो आप जैसी कंडीशन आपके यहाँ पर है, हमने सभी कंडीशन बता दी है कि ज़्यादा झटका हो तो आप ग्लूकोज या दूध का स्प्रे करें, अगर आपके यहाँ पर हल्का सा झटका है, ज़्यादा नॉर्मल से थोड़ा अधिक है तो आप कोई अच्छा सा टॉनिक भी ले सकते हो, नॉर्मल झटका है तो NPK जो 19-19-19 आता है उसका स्प्रे करके भी सोयाबीन की फसल को वापस से रिकवर में ला सकते हो। और अगर नॉर्मल ही है, आपने स्प्रे खरपतवार नाशक का नहीं किया है, कोई भी झटका नहीं है, तो आपको कोई भी टॉनिक या NPK लेने की आवश्यकता नहीं है। पोषक तत्व आप कभी भी फ्लावरिंग स्टेज में भी दे सकते हो, उसके बाद भी दे सकते हो। तो समय समय अनुसार आपकी खेत की अवस्था के अनुसार हमने सभी चीज़ें बताई हैं, आप अपने खेत की कंडीशन के अनुसार इन चीज़ों का उपयोग करें और सोयाबीन की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि समय समय पर आप तक जानकारियां पहुंचती रहे और आपकी फसल हरी भरी स्वस्थ और अधिक उत्पादन देने में सक्षम रहेगी। तो किसान साथियों, सभी जानकारियां हमने डाल रखी हैं चैनल पर, आप वह भी जाकर देखें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। और किसान साथियों, जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और एक बार चैनल पर जाकर सभी वीडियो जरूर देखें, जिसमें कि आपको सभी काम के आपके खेती से संबंधित वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पर जरूर जाएं, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।